बारामूला के नूरबाग इलाके में स्वीपर कॉलोनी में लगी आग से 13 घर जलकर राख हुए। इस आग की वजह से 31 परिवार अब बेघर हैं। गुरुवार रात करीब 9:30 बजे लगी आग में एक एक करके 13 घर जल गए। गनीमत है कि सभी लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। मौके पर पुलिस की टीम सबसे पहले पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाने में एक अहम भूमिका निभाई। डिविजनल कमिश्नर पोलेप अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि परिवारों को मदद दी जाएगी। बस एक गैस मटिया में निकली है, बाकी कुछ नहीं निकला घर से। ये आग लगी कैसे लगी? ये आपका कोई पता ही नहीं चल रहा, सारे नंबर से वहाँ से आई आग। कितने मकान जल गए यहाँ पे? मकान कम से कम 13-14 मकान जल गए। सुनने में आया यहाँ पे शादियाँ भी थी। हाँ, शादियाँ दो थी, एक नीचे लेडीज थी तो जेंट्स थी आई यहाँ, इनको संडे को शादी थी। फैमिली जिसमें इफेक्टेड है? ये तो 32 के करीब सर, 32 के सब 13 मकान को डैमेज हो गया सर। और आग मतलब कैसे लगी? आग का पता नहीं कैसे लग गई सर, आगे के मकान को लग गई। शादियाँ भी थी यहाँ पे? कुछ शादी थी, आज उसका निकाह था उसी के। कोई ऑफिशियल आया सुबह से यहाँ? हाँ, डिप्टी कमिश्नर आए, डिवीजन कमिश्नर आए, ADC आए, SSP आए, DC साहब। तो उन्होंने क्या आपको एश्योर किया? जो बोलना था बोल गए। कोई हेल्प उनसे देखेंगे, बोला तो है तो।